इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म। बैठक खत्म होने के बाद समिति के अध्यक्ष मंत्री दयाल दास बघेल का बयान। 15 नवंबर से धान खरीदी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी। 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा। सभी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से खरीदने का निर्णय। 30,000 गठान बारदाने की खरीदी होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में किया गया प्रस्ताव पारित। कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। आज बैठक हुई मंत्रिमंडल उप समिति की, कब से धान खरीदी होगी, कितने का लक्ष्य रखा गया है, क्या क्या पूरी कार्य योजना तैयार हुई है? आज क्या है, उप समिति मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ हुआ है जिसमें आदरणीय कश्यप जी और हमारे मंत्री जायसवाल जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी कार्यकाल उपस्थित थे। यहाँ निर्णय हुआ धान खरीदी हमारा जो है कैबिनेट में निर्णय के लिए रखे हैं, उसका निर्णय कैबिनेट में रखा जाएगा। और अजय सवाल जो रेट 3100 रुपये का 31 क्विंटल का, इसका भी निर्णय कैबिनेट में होगा। बाकी यहाँ निर्णय किया है कि 3100 रुपये क्विंटल 31 क्विंटल खरीदने का हमारे यहाँ हुआ है। अभी कांग्रेस के नेता धनंजय साहू से बातचीत हुई, उनका कहना है कि अक्टूबर से धान की खरीदी होना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कब से शुरू हो जाएगी? कब खरीदी किए थे ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बाकी हमारा धान खरीदी है क्या है, कुछ राज्य उत्सव भी है, इसलिए कैबिनेट में निर्णय होगा। जैसे 15 नवम्बर 1 नवम्बर या 15 नवम्बर नवंबर में शुरू हो जाएगा सेकंड वीक, ऐसा कुछ हुआ है। बाकी निर्णय लक्ष्य क्या होगा सर, इस बार लक्ष्य बता दिया ना, लक्ष्य के बारे में चर्चा हुआ है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस साल तो लक्ष्य रखे हैं 160 लाख मीट्रिक टन का, एक अनुमानित लक्ष्य नहीं, अनुमानित रखा गया है। ठीक है।